चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। तो इसकी तब मूली मूली के चिल्ली पटेटो मैंने आलू कट कर दिए इस तरीके से बने हुए हैं। टेस्ट फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 4 बजे से। तो आज हम जा रहे हैं कंडोले फील्ड में, ना फाइनल मैच है आज, फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना वहाँ पे कई दिन से ग्रीष्मोत्सव के। तो हम जा रहे हैं मैच देखने क्योंकि आज फाइनल है। तो हम चलते हैं और वहाँ का मैं आपको दिखाती हूँ। 2 दिन तो मैंने आपको दिखा दिया है अपने ब्लॉग में, आज मैं थोड़ा सा दिखाऊँगी। चलते हैं, मिलते हैं कंडोले। तो हम पहुँचने वाले हैं कंडोलिया, हम आ रहे हैं पैदल। तो यहाँ पर ठंडी ठंडी है ना, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, तो अच्छा लग रहा है चलने में। गाइस अभी इतने बज रहे हैं, कितने देखिए 4:10 हो रहे हैं। तो इतने लेट जा रहे हैं हम, 2 बजे से था ना वहाँ पे, हाँ 2 बजे से स्टार्ट था और हम जा रहे हैं 4 बजे, क्योंकि तो इसने जिद करी थी ना, चलो चलो चलो। नहीं गाइस, कितनी भीड़, कितनी भीड़ है यहाँ से ही गाड़ियाँ। मुझे क्या4-0 से गढ़वाल। अच्छा, तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं मैच देख के घर। तो आज ना गढ़वाल की टीम जीत गई है और दार्जिलिंग तो हार गई है। तो सेमीफाइनल में कल भी खेला था ना, तो कल का मैच मैंने आपको दिखाया था और आज गढ़वाल जीती है, तो बहुत ही अच्छी बात है हम गढ़वालियों के लिए, हम उत्तराखंडियों वाले के लिए कि गढ़वाल ने जीत लिया है फुटबॉल मैच। क्योंकि हम खड़े खड़े थक लग गए हमको, क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं मिली, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। तो यहाँ पर कूट रहे हैं मूले के बीज, हाँ, तो ये हाँ, बीज बन जाएंगे इनके, तो बोने के लिए काम आएंगे। ये मूली बनेगी इसकी, तब मूली मूली के मूले के मूली के बीज हैं, सिंगोरी बोलते हैं ना। हाँ, ये देखो ये है, तो ये मूली के बीज सिंगोरी बोलते हैं। तो ये तो बहुत सारे, इतने सारे बोने, 2-4 बोने हैं ना, मतलब जरा ये क्यारी, ये देखो ये बीज, तो ये बोने के काम आएंगे। पिछली बार हमारे बहुत सारे थे तो इतने सारे बीज ही निकल गए हैं। गाइस आज मैं बना रही हूँ चिल्ली पटेटो, मैंने आलू कट कर दिए हैं, आज मैं पहली बार बना रही हूँ, तो देखते हैं कैसे बनते हैं। तो बनाती हूँ मैं, तो चिल्ली पटेटो कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, टेस्ट भी अच्छा हो रहा है। तो अब देती हूँ मैं बच्चों को, देखते हैं कैसे बने हैं। तो ये बन गए हैं चिल्ली पटेटोज, कैसे बने हैं गौरी, गौरी को दे दिया, काफी खुशी से पूछते हैं कैसा हो रहा खुशी। अच्छा हो रहा है, बहुत टेस्टी, जैसे होटल में बनता है। हाँ, तो खुशी को तो पसंद आया, गौरी बोल रहे हो इतना टेस्टी नहीं हो रहा है। तो घर में बनाए हुए चिल्ली पटेटोज, क्योंकि हमारे काफी आलू हो रखे ना। तो फ्रेंड्स खा लिया हमने खाना, चिल्ली पटेटोज बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत पसंद आए सबको। तो हम दूसरे दिन भी बनाएंगे क्योंकि बच्चों को भी अच्छे लगे टेस्टी। तो फिलहाल आज की वीडियो करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।